चैप्टर सेकेंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका द जियोग्राफिकल ग्रिड. दो फिक्स पॉइंट है अर्थ पर जिन्हें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, और हम इन जो पॉइंट्स को ग्लोब की सहायता से हम जैसे अर्थ की स्टडी करते हैं तो उसपे हमने एक इमेजनरी इनको सेट को मान लिया है. और ये कौन से हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड सेकेंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. द इक्वेटर एंड द स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न एंड द सर्दर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड पैरेलल्स लाइन ऑफ लैटिट्यूड. जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है एक लैटिट्यूड है और दूसरा लॉन्गिट्यूड है, तो उसमें जो पैरेलल ऑफ टू द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न एंड द सर्दर्न हेमिस्फीयर जो इन दोनों के बीच में जो पैरेलल है ये नॉर्थ और साउथ में आपको दिख रहा है तो इसे हम पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. ये आपको पैरेलल लाइंस यहाँ पर नजर आ रही है, पैरेलल का एरो भी आपको दिख रहा है. फिर दूसरा है सेमी सर्कल विच जॉइन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. पोल आपको नजर आ रहा है यहाँ ब्लू एरो नजर आ रहा है और अब किस तरह चल रहे हैं ये इस तरह से लाइनें आपकी जा रही हैं. तो इसमें क्या है आपका जो नॉर्थ और साउथ पोल्स को जोड़ती हैं और लैटिट्यूड्स को कट करती हैं उन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस कहते हैं. और इसको हम क्या है ये इमेजनरी लाइनें हैं क्योंकि कोई अर्थ पे खींची हुई तो लाइन नहीं है, तो इन्हें हम ग्लोब पर या मैप पर स्टडी करने के लिए अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए इनको करते हैं. अब आते हैं आपका लैटिट्यूड. द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ तक की जो प्लेस है जो स्थान है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं. और इसे कहाँ से मेजर करते हैं हम? अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं. और जितनी भी हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो सभी इक्वेटर के पैरेलल होते हैं जिनको हम वैसे ईस्ट तक देख सकते हैं. और एज दीज लाइन आर पैरेलल टू द इक्वेटर दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. तो ये लैटिट्यूड इम्पॉर्टेंट कौन कौन से है? ऐसे तो हमें बहुत सारे नजर आ रहे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कौन से हैं इनको हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं. पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इक्वेटर से 23.5 degree नॉर्थ के डिस्टेंस पे लिए हुए है. फिर उसके बाद आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 23.5 degree साउथ इक्वेटर से है. जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है दोनों का जो डिग्री है वो सेम है लेकिन एक नॉर्थ से है और दूसरा साउथ से है. नेक्स्ट है आर्कटिक सर्कल इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 degree नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर. तो इसमें थोड़ा सा आपका जो है फिगर जो दी गई है उसमें थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है आपका. यहाँ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सही है, साउथ जो लिखा हुआ है वो नॉर्थ हो जाएगा और आर्कटिक सर्कल जो है वो आपका वो सही है नॉर्थ, लेकिन नीचे अंटार्कटिक सर्कल जो है वहां साउथ आएगा. तो इस पिक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो जो आपकी बुक में मैटर दिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्लियर कर लेंगे. और बुक में जो आपको फिगर दी गई है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है आपकी, तो इनको आप करेक्ट कर देंगे. द पैरेलल ऑफ द लाइन ऑफ लैटिट्यूड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. इनकी विशेषताएं क्या क्या है? पहला तो क्या है, सारे पैरेलल्स जो हैं वो कंप्लीट सर्कल बनाते हैं. जो अभी हम पहले स्टडी कर रहे थे वो आप देखेंगे, ये पूरा सर्कल आप लैटिट्यूड में देख रहे हैं पूरा अर्थ के चारों तरफ है तो ये सर्कल बना रहे हैं और 90 degree नॉर्थ और 90 degree
साउथ का है जो हमने इसको पॉइंट आउट किया हुआ है, ठीक है। और इक्वेटर जो होता है वो लार्जेस्ट पैरेलल होता है। लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल्स डिक्रीज एज द वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। आप देखेंगे जो हमारा ये इक्वेटर है ये बिल्कुल मिड में आ रहा है तो ये हाफ है, और बाकी जो अब पोल की तरफ जाएंगे वो छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट द एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। आप देख रहे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी सब बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल एट एन इंटरवल ऑफ वन डिग्री, इनके बीच में वन डिग्री का अंतर है, और यदि हम अर्थ के सरफेस की बात करते हैं तो वो 111 किलोमीटर का अंतर आता है। इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है और द अदर पैरेलल्स आर ऑल स्मॉल सर्कल, बाकी सारे उससे छोटे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीट जोन ऑफ द अर्थ या क्लाइमेटिक जोन भी इसको कहते हैं हम। तो इसमें हम तीन पढ़ेंगे, ये किसके कारण से होते हैं, जितने भी अर्थ के पार्ट्स होते हैं उन पे इक्वल अमाउंट में सन की जो हीट है नहीं पहुंच जाती, तो इसलिए वहां हर जगह क्लाइमेट अलग अलग हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी देश में गर्मी ज्यादा होती है तो किसी देश में सर्दी ज्यादा होती है, तो इसका कारण यही है कि वहां सनलाइट कितने डिग्री के एंगल से पड़ रही है, कितने समय तक पड़ रही है, उसी को हम स्टडी करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट है हॉट और द ट्रॉट जोन, जिसे हमें नाम से पता चल रहा है हॉट यानी सबसे गर्म, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जगह है और यहाँ मैक्सिमम हीट जो है रिसीव होती है और इसलिए इन्हें हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और इंडिया भी इसी जोन में आता है। जो आपको ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये येलो कलर में आपका जो है सॉरी ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो आपका हॉट और टॉर्ड जोन यानी सबसे ज्यादा। इक्वेटर की आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, इसके दोनों तरफ जो ये ब्लू कलर है ये आपका सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जून है विश्व का। उसके बाद अगला आपका टेम्परेट या मॉडरेट यानी सही सही, बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है, तो उसके ऊपर आपको दिख रहा है द नॉर्थ टेम्परेट जून लाइ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यदि आप इन्हें याद कर लेंगे तो देखो फिगर के बाहर आपको नजर आ रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो नॉर्थ टेम्परेट जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में लाई करता है, और साउथ सर्दर्न टेम्परेट जोन कहाँ करेगा लाई, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्टिक अंटार्कटिक सर्कल के बीच में करेगा। ऊपर आपका नॉर्थ है और नीचे आपका साउथ है, तो यहाँ फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी फिगर आपको यहाँ शो हो रही है उन्हें सबको आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है, और जिस फिगर में मिस्टेक है वो मैं आपकी फिगर ड्रॉ करके उसके साथ अटैच करके भेज दूंगी क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। और थर्ड आपका फ्रिज जोन है, फ्रिज जोन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है आपको, येलो कलर में आपको शो हो रहा है, इसमें फ्रिज जोन जो है जहां पर सबसे ठंडा रहता है यानी जो हमारा पोलर रीजन होता है, यहाँ पर जो है मिडनाइट सन एक्सपीरियंस किया जाता है और यहाँ पूरे साल जो है वो रात ही नजर आती है। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स की, अभी हम आपको दिखा रहे थे, अब ये जो दूसरा है आपका ये लॉन्गिट्यूड्स का, तो लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी अभी हमने जो लैटिट्यूड में बात की थी वो साउथ नॉर्थ से की थी लेकिन यहाँ ईस्ट वेस्ट से कर रहे हैं, ठीक है। और एवरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड मस्ट क्रॉस द इक्वेटर, आपको इस लैटिट्यूड वाले में इक्वेटर दिख रहा है तो अब इधर क्या है ये लॉन्गिट्यूड में वो सारे इक्वेटर को क्रॉस करके जाती है। इक्वेटर जो है वो भी एक सर्कल है और जो डिवाइड वी कैन डिवाइड इट लाइक
एनी सर्कल इनटू 360 डिग्री, और हम जब उसे 360 डिग्री पर कट करते हैं तो वो इक्वेटर से होकर के जाता है. और व्हाट दैट वैल्यू इज डिपेंड ऑफ कोर्स ऑन वेयर वी बीइंग टू काउंट और वेयर द जीरो लॉन्गिट्यूड इज. और ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूड की, इसे ही हम मेरिडियन कहते हैं. प्राइम मेरिडियन क्या है? जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो पास होता है ग्रीनविच इंग्लैंड में, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. और ये लाइन जो है वो अपोजिट है जीरो डिग्री से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर. दीज टू लाइन्स आर नॉट डिनोटेड बाय ईस्ट और वेस्ट, और इन दो लाइनों को हम डिनोट नहीं कर सकते, मतलब हम जैसे ईस्ट वेस्ट के द्वारा है इन्हें डिनोट नहीं किया जा सकता है. अदर देन दीज टू लाइन आर द अदर लॉन्गिट्यूड आर मार्क E for Eastern Hemisphere and W for Western Hemisphere. हालांकि हम इन लाइन्स को जो है हेमिस्फीयर के द्वारा ड्रॉ करते हैं. अब आता है आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू मूव और रोटेट फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू द नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड? हम कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि अर्थ कैसे मूव कर रही है, कैसे रोटेट हो रही है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक? तो हम कहते हैं कि अर्थ जो है 360 डिग्री का जो डिग्री का एंगल होता है, या हम उसे 360 लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हैं, उसको कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है. तो इस प्रकार एक लॉन्गिट्यूड को करने में पूरा वो कितना लेती है? 4 मिनट का समय लेती है. उन्होंने कैलकुलेट किया है 1440 डिवाइड बाय 360. अब इसमें हम टाइम की बात कर रहे हैं, लोकल टाइम सभी प्लेसेस पर जो होता है वो लॉन्गिट्यूड में सेम टाइम होता है, और इसे ही हम लोकल टाइम ऑफ मेरिडियन कहते हैं. जैसे कि ग्रीनविच मेन टाइम इट वुड बी 12 नॉन Noon at all place on a given longitude when the sun is overhead. यानी जब सन हमारे सर के ऊपर होता है तो उस समय इन सभी जगहों पर यानी longitudes पर 12 दोपहर के बज रहे होते हैं. अब हम standard time की बात करते हैं. Generally more than one meridian pass through a country. हर देश से कम एक meridian pass करती है और एक बहुत बड़े area से होके वो गुजरती है. Instead of using the local meridian, the clocks in different location within the time zone are made to follow one time. और क्योंकि सब जोन अलग अलग होते हैं तो locations अलग अलग होने के कारण वहां पर टाइम के जो जोन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. जैसे हम बात करते हैं कि अभी भारत में क्या हो रहा है, भारत में जो समय हो रहा है वो दूसरे देश में ये समय नहीं हो रहा है. हम लोगों के समय में अंतर है. यदि आपने कभी सुना हो दूसरे देश में, जैसे अमेरिका में भी क्या है दिन हो रहा है, तो यहाँ रात हो रही है, यहाँ रात हो रही है तो वहां दिन हो रही है. तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि यहाँ रात के 10 बजे हैं तो वहां दिन के 10 बजे होंगे, ऐसा नहीं है. कुछ घंटे का अंतर आता है. तो इस टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं. Historically, this helped is the process of weather forecasting and train travel. और मतलब जो हम मौसम की जानकारी लेते हैं उसमें भी ये हमारी मदद करता है. Simple way में हम कह सकते हैं कि पूरे देश में जो है वो एक standard time लिया गया है. जैसे आपका contact to geography corner में दिया गया है, Russia which स्प्रेड ओवर 170 डिग्री हैज 9 टाइम जोन. की रशिया में जो है वो 9 टाइम जोन है, जबकि यूएसए में 4 टाइम जोन है, जबकि कनाडा में जो है वो 5 टाइम जोन है. ठीक है, तो इस तरह से द टाइम ऑफ द चूजन मेरिडियन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम. यदि हम मेरिडियन से टाइम को चूज करते हैं तो हम उसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? भारत में लॉन्गिट्यूड जो है वो 82 डिग्री 30
मिनट ईस्ट से पास होता है और ये जगह कहाँ पड़ती है, इलाहाबाद में पड़ती है, यानी जो हमारी मेरिडियन पास होती है वो इलाहाबाद से पास होती है और इसे ही स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। तो जब लॉन्गिट्यूड पर मून हो रहा होता है, दोपहर हो रही होती है, तो उस समय पूरे देश में ही दोपहर हो रही होती है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन की। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है जो इक्वेटर है वो भी आपकी इमेजिनरी लाइन ही है। इसमें एक तरफ आपको टोक्यो दिखाई दे रहा है, एक तरफ लॉस एंजलिस दिखाई दे रहा है, सिडनी दिखाई दे रहा है। तो ये देश किस तरह से, यानी जो हमारे इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके इधर उधर किस तरह से देश है और किस तरह से उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर रहती है। ठीक है, आपको दिख रही है बिल्कुल सेंटर में है वो। और ये भी एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ के सरफेस पे, क्योंकि अर्थ पे कोई लाइन तो खींची हुई नहीं है, ये तो केवल हमने स्टडी करने के लिए काल्पनिक रूप से इनको खींच लिया है। और इमेजिनरी लाइन जो है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है और वन कैलेंडर डे फ्रॉम द नेक्स्ट, एक से दूसरे के दिन के को बताती है। ये जो मिडिल जो इसका है वो पैसिफिक ओशियन पे है और रफली हम यदि बात करते हैं तो 180 डिग्री पर लॉन्गिट्यूड्स है। बट इट डिवाइड्स टू पास अराउंड सम टेरिटरीज एंड आइसलैंड ब्रुक, लेकिन ये जो है केवल मतलब पैसिफिक ओशियन से नहीं बल्कि कुछ टेरिटरीज और कुछ आइलैंड ब्रुक से भी होकर गुजरती है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये आपकी लाइन जा रही है इंटरनेशनल डेट लाइन, तो किस तरह से ये पास हो रही है। लास्ट टॉपिक है समरी ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। बोथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब और द वर्ल्ड मैप, यानी हम कोई मैप लेते हैं उस पर या फिर ग्लोब पे जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं तभी हम इसको जो है खींच सकते हैं। होरिजेंटल और द ईस्ट वेस्ट सेट ऑफ लाइन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो हमने होरिजेंटल खींची हैं या ईस्ट से वेस्ट तक जो लाइनें खींची हैं ग्लोब पर उन्हें हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, जबकि इसके ठीक अपोजिट वर्टिकल या नॉर्थ साउथ जो लाइन होती है उन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। एनी प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, और अर्थ के किसी भी प्लेस को हम इन लाइनों की मदद से समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वो कहाँ स्थित हैं। ये जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है इसमें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दो बेसिक पॉइंट्स के रूप में यूज करते हैं कि ये अर्थ के सरफेस पर मौजूद है। There are 180 parallels of latitude and 360 meridians of longitude. यहाँ पर जो है हमारे 180 latitudes हैं और 360 longitudes of meridians हैं। तो इस तरह ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क सारा मैं आपको सेंड कर रही हूँ, इसको आपको कॉपी में करना है। ठीक है, मैंने इसमें बुक में जो है क्वेश्चन के आंसर जो है आंसर के लिए पेज नंबर लिख दिया और उन्हें बुक में टिक कर दिया है। आप इन सबको केयरफुली देखेंगे और यदि आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।